क्या आपने कभी गरम तेल में ब्रेड को फ्राई करके ठंडे दूध में डाला है? अगर नहीं डाला तो डाल लीजिए, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है। तो चलिए इसे बनाते हैं झटपट से। यहाँ पर मैंने दो ब्रेड ले ली है और इसी के साथ में एक बाउल में ठंडा दूध भी ले लिया है, जो मैंने फ्रिज में रखा था, बस वही दूध लिया है। इसी के साथ में अब हम थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे और साथ ही साथ गर्म गर्म ऑयल में इस ब्रेड को जो है हम फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, ये ब्रेड जो है बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड को ज़्यादा फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है, बस झटपट से हो जाती है। बस इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमें निकाल लेना है। इस ब्रेड को जो है 2-4 सेकंड ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल, जितना भी ऑयल है, वो निकल जाए, और उसी के बाद में हम इसको जो है ठंडे दूध में डालेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल जितना हो सका मैंने निकाल दिया है और इसी के साथ में अब मैं इसको ठंडे दूध में जो है डाल दूँगी। और इसी तरीके से जो दूसरी ब्रेड है उसको भी मैं कुछ इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा स्पैचुला या करछी की मदद से मैंने इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है ताकि ये अच्छे से ऑयल में डिप हो जाए। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका जो कलर है वो भी पूरे तरीके से चेंज हो गया है, क्योंकि ऑयल जो था पहले से ही गर्म था और गर्म ऑयल में डालते ही ये जो ब्रेड है वो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। बस हमने कुछ इस तरीके से इसको बाहर निकाल लिया है और अब इसका जो है एक्स्ट्रा ऑयल वो भी हम निकाल लेंगे। दूध और ये जो ब्रेड की आज बहुत ही खास सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी एक बार इस रेसिपी को देख लोगे तो आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाना पसंद करोगे। दूसरी ब्रेड को जो है मैंने फिर से दूध में डाल दिया है और एक चम्मच की मदद से हम इसको जो है दूध में अच्छे से डिप कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये दूध में अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। और इसी के साथ में हम फिर से एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में जो है हम थोड़ी सी मूंगफलियाँ ऐड करेंगे। मूंगफली के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी भी ली है और इन सबको जो है हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही खास सी रेसिपी है। अक्सर बाहर हम इस रेसिपी को महंगे दामों में ख़रीदते हैं, बहुत पैसे लगा कर खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन वो भी कम ही पड़ जाती है। लेकिन आज अगर आप इस तरीके से रेसिपी घर पर बनाओगे तो बहुत ही कम समय में, कम दाम में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। घर पर रखी कुछ ही चीज़ों से ये रेसिपी बनती है और इतनी मज़ेदार लगती है कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे और बोलेंगे कि ये रेसिपी तो रोज़ ही घर पर बननी चाहिए। तो यहाँ पर मूंगफली और मैं सूजी को भून रही हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है समेशता कुमारी जी को चंडीगढ़ से, और लुधियाना से जाता है सुप्रिया जी को। तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम जो है मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी का जो कलर है वो चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया था, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से जो है बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया था और इसी के साथ में अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे। मिक्सी जार में डालकर हम इसको जो है अच्छे से ग्राइंड करना है। ये जो मूंगफली है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और झटपट से ये रेसिपी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका मैंने जो है एक पाउडर सा बना दिया है। इस पाउडर का हम थोड़ी देर बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के लगभग यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल किया है। इस चीनी को जो है हम घी में अच्छे से कैरमलाइज करेंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने के लिए एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जो चीनी है वो कुछ इस तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जैसे जैसे गैस की फ्लेम को हम तेज़ करेंगे, ये देखते ही जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और बहुत ही सुंदर सा इसका सो प्यारा सा जो कलर है वो हमें मिल जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका जो कलर है वो आ गया है। अब जो हमने सूजी और मूंगफली को भुना था वो हम इसमें कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे और एक स्पैचुला की मदद से झटपट से इसको चला लेंगे। अगर आप स्पैचुला की मदद से नहीं चलाओगे, इसको नहीं चलाओगे, तो ये कुछ कड़क सा बन जाएगा और रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो जैसे ही मिश्रण डालो आप इसको लगातार चलाते रहो ताकि ये जो रेसिपी है वो बहुत ही प्यारी सी और परफेक्ट एकदम बने और एकदम अच्छी सी शेप में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने चीनी को जो है इसमें पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ मैंने गैस को जो है बंद कर दिया। अब चलते हैं इस ब्रेड की तरफ।
ये देखिए इस ब्रेड को जो है स्पैचुला की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो ब्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही है और एकदम लचकीली जैसी होती है ना, एकदम वो जैसी हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसको जो है हम डालेंगे मिक्सी जार में। जी हाँ, इसको भी हमें अच्छे से अब ग्राइंड करना है। दूध में हमने इसलिए डाला था ताकि दूध और ब्रेड की खुशबू बहुत ही अच्छे से इसमें आ सके। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राइंड कर लिया, इस तरीके से ये पूरा एक लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब इसको जो है हम वापस से डाल देंगे इसी कढ़ाई में जिसमें हमने सूजी और मूंगफली को भून रहे थे। अब इन सबको जो है फिर से चलाएंगे और गैस की फ्लेम को जो है फिर से ऑन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर लगातार एक स्पैचुला की मदद से हम इसको चलाते रहेंगे और जैसे जैसे चलाएंगे ये एकदम वाइंड हो जाएगी, बिल्कुल स्मूदी सा पेस्ट जो है इसका वो हमें मिल जाएगा। ये देखिए इसको लगातार जैसे जैसे चलाते जाएंगे ये थोड़ा सा जो है गाढ़ा होता जाएगा। जब भी बचपन में दादी माँ ये रेसिपी बनाती थी तो हम बहुत ही दिल से खाते थे, बहुत ही अच्छी लगती थी, सबको बहुत अच्छी लगती थी और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती थी। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट से ये महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर लाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि घर पर भी ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में मेरी दादी माँ इसे बनाती थी और हम सब बच्चे बहुत ही चाव से खाते थे, सबको बहुत पसंद भी आती थी। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जब भी बनाती हूँ मन करता है कि हर बार ही इसे बार बार बनाते जाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है, जो मिश्रण है, वो सारा का सारा गाढ़ा हो गया है। हमें स्पैचुला को लगातार चलाते रहना है, गैस की फ्लेम को जो है हमें लो ही रखना है क्योंकि अगर हम तेज़ करेंगे तो ये मिश्रण जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से गैस की फ्लेम को लो करके इसे लगातार स्पैचुला की मदद से चलाते जाएँ, ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और थोड़ी ही देर बाद में ये घी को जो है छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए यहाँ पर इस मिश्रण ने जो है घी को छोड़ना शुरू कर दिया है और किस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट और स्मूदी सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। मेरा तो मन कर रहा है कि स्पैचुला को इसी तरीके से चलाते जाऊं और इसके साथ खेलती जाऊं क्योंकि ये बहुत ही स्मूद सा पेस्ट लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, एक रिचनेस जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। इन मिल्क पाउडर को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी छोटे छोटे कट करके ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल अभी इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करी है, बस स्पैचुला की मदद से इसको मैं जो मिल्क पाउडर को जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये एकदम सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया सा मिश्रण जो है वो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हलवा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हलवा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को जो है बंद कर दिया है और इसको फिर से हल्का सा चलाना शुरू कर दिया है और इसी के साथ में हम इसको डालेंगे एक थाली में। ये देखिए थाली में डाल दिया है और इसको जो है अब हम अच्छे से सेट करेंगे और इसकी जो है हम एक बर्फ़ी निकालेंगे। लेकिन पहले मुझे इसको अच्छे से सेट कर लेने दो। और ये देखिए बहुत ही इजीली से ये अच्छे से सेट हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, ना ही इसमें कोई लम्स है और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी हुई है। क्योंकि चाशनी में बनाया था तो कई बार क्या होता है कि इसमें गाढ़ापन भी आ जाता है, इसमें सख्त भी हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आपके सामने बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर मैंने काजू और बादाम जो है वो डाल दिए हैं, इससे क्या होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगेंगे और जब हम इस मिठाई को खाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इनको मैंने एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से दबा दिया है और इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से मिठाई जो है वो शेप ले ले और अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 10-15 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और अब हम एक स्पैचुला की मदद से ही इसको काट सकते हैं। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इसको काट सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटेगी और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों जब भी मैं इस मिठाई को बनाती हूँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे कहने पर आप एक बार इस मिठाई को ज़रूर अपने घर पर बना के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जो चाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं, जैसे चाहे इसको काट सकते हैं।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो मैं चलती हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।